बच्चों, इससे पहले मैंने आपको लोहा अयस्क के बारे में बताया था कि लोहे का क्या महत्व है, लोहे का कैसा वितरण है। आज मैं आपको दूसरा खनिज मैग्नीज के बारे में बताऊंगी। मैग्नीज भी हमारी आर्थिक उन्नति में काफ़ी योगदान देता है। मैग्नीज एक ऐसा खनिज है जिसका उपयोग मजबूत एवं कठोर इस्पात चादर से लेकर चीनी मिट्टी के बर्तन के निर्माण तक में किया जाता है। यानी मैग्नीज का उपयोग छोटे से लेकर बड़े से बड़े उद्योग में किया जाता है। युद्धक टैंक, बिजली के सामान, ब्लीचिंग पाउडर, कांच, दवाइयाँ, सोने के आभूषण, वार्निश, रसायन, सूखी बैटरी, टाइल्स, मोटर गाड़ियाँ, वायुयान, रेल के डिब्बे, प्लास्टिक, पोटेशियम ऑक्सीजन, क्लोरोरिन गैस, खाद आदि के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अर्थात मैग्नीज एक उपयोगी खनिज है जिसका उपयोग अनेक कार्यों में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन वर्तमान में मैग्नीज के कुल उत्पादन का लगभग 95% भाग का उपयोग केवल धातु निर्माण में किया जाता है। मैग्नीज के मिश्रण से बना हुआ लोहा इस्पात कठोर और मजबूत होता है, इसीलिए लोहा इस्पात के निर्माण में मैग्नीज के मिश्रण करके टर्बाइन ब्लेड्स तथा कासा से मिश्रित करके जलियानों के प्रोलरों का निर्माण किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मैग्नीज का उपयोग हमारे लिए दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और मैग्नीज हमारी आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान देता है। विभिन्न उद्योगों के को चलाने के लिए मैग्नीज की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। अब मैग्नीज के भंडार एवं उत्पादन किस तरह का है। भारत में 16.7 करोड़ टन मैग्नीज के भंडार है, जिसका लगभग 90% भाग धारवाड़ चट्टानों से प्राप्त होता है। भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरा तथा उत्पादन की दृष्टि से 5वां स्थान रखता है। भारत में पाए जाने वाले मैग्नीज में लगभग 40% अंश लोहांश का पाया जाता है, जो साइलोमेलिन, ब्रोनाइट, किस्टोमेलिन अयस्क के रूप में पाया जाता है। भारत में निकलने वाला मैग्नीज उत्तम किस्म का है, जिसका अधिकांश भाग निर्यात कर दिया जाता है। अतः हमारे देश को काफ़ी आय प्राप्त होती है। भारत ने विश्व के उत्पादित कुल मैग्नीज का 20% उत्पादित कर 5वें स्थान पर हमारा भारत है। उत्पादन एवं भंडार की दृष्टि से महाराष्ट्र, नागपुर तथा मध्य प्रदेश, बालाघाट, छिंदवाड़ा अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उत्पादन में उड़ीसा राज्य प्रथम स्थान रखता है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान,
राज्य भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उड़ीसा, यह राज्य भारत में मैग्नीज के कुल भंडार का 12% उत्पादन का 30% मैग्नीज उत्पादन करके उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। उड़ीसा का सुंदरगढ़ मैग्नीज के उत्पादन व उत्तम श्रेणी दोनों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है, यानी उत्पादन भी अधिक होता है और किस्म भी बढ़िया होती है। इसके अतिरिक्त क्योझर, कालाहांडी, कोरापुट, बेलनगिरी, फूल, बांस, धनेकनाल आदि ऐसे जिले हैं जहाँ इसका उत्पादन किया जाता है, यानी वहाँ बड़े पैमाने पर मैग्नीज पाया जाता है। मध्य प्रदेश, भारत के मध्य प्रदेश क्षेत्र में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान आदि राज्यों में मैग्नीज की एक पेटी विस्तृत है, जिसका विस्तार मध्य प्रदेश, बालाघाट, छिंदवाड़ा में है। बालाघाट की पहाड़ी जो 10 किलोमीटर लंबी है, वहाँ मैग्नीज एक 15 मीटर मोटी परत के रूप में पाया जाता है। मध्य प्रदेश का बालाघाट इस राज्य में उत्पादन तथा भंडार में महत्वपूर्ण है। भारत के कुल उत्पादन का 15% मैग्नीज उत्पादित कर मध्य प्रदेश तीसरा स्थान रखता है, लेकिन मैग्नीज के भंडार की दृष्टि से भारत में इसका प्रथम स्थान है। अगला आता है आपका कर्नाटक। भारत में कर्नाटक भी मैग्नीज की दृष्टि से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कर्नाटक का बिलारी जिला मैग्नीज के उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। इसके अतिरिक्त उत्तरी कन्नड़, शिमोगा, बेलनलारी, चित्रदुर्ग, धारवाड़, बेलगांव, चिकमंगलूर जिले में मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। महाराष्ट्र, भारत में यह राज्य उत्पादन में चौथा तथा भंडार की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है, लेकिन यहाँ मैग्नीज ज़्यादातर निम्न कोटि का है। नागपुर, भंडारा, रतनगिरी यहाँ के मुख्य उत्पादक हैं। इसके बाद आता है आपका छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश की बालाघाट का क्षेत्र का विस्तार छत्तीसगढ़ तक पाया जाता है। गुजरात, पंचमहल, खेड़ा, बड़ोदरा, बनासकांठा, साबरकांठा यहाँ के प्रमुख मैग्नीज उत्पादक जिले हैं। राजस्थान, यहाँ उत्पादित मैग्नीज मध्यम श्रेणी का है, जिसका अधिकतम उत्पादन बांसवाड़ा जिले में होता है। इसके अतिरिक्त उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही जिले में भी मैग्नीज के उत्पादन किया जाता है। झारखंड, सिंहभूमि जिला प्रमुख मैग्नीज का उत्पादक है। इसके अतिरिक्त गुमला, रांची आदि में मैग्नीज का खनन किया जाता है। आंध्र प्रदेश, भारत में मैग्नीज का 8% उत्पादन यहाँ होता है, जिसमें श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम का प्रमुख स्थान है। आंध्र प्रदेश में मैग्नीज के उत्पादन में श्रीकाकुलम
जिले का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ मुख्य मैग्नीज का उत्पादन या उत्पादक क्षेत्र 480 मीटर की लंबाई तथा 50 मीटर की चौड़ाई तक विस्तृत है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैग्नीज भारत में विभिन्न राज्यों में पाया जाता है। भारत में जो मैग्नीज है उसका जितना उपयोग किया जाता है उतना हो जाता है, उपयोग से के बाद जितना बचता है उसे निर्यात कर दिया जाता है, उससे हमारे देश को आय प्राप्ति होती है। तो बच्चों ये आपका दूसरा खनिज हुआ मैग्नीज। अब इसके बाद आपको तीसरे खनिज के बारे में अगले लेक्चर में बताऊंगी। थैंक यू।